बड़ा साहब किस तरह लगता अकाली दल एक चुनौती सारी पार्टी चुनौती है क्योंकि इलेक्शन 15 तक रैली भी बंद ने तो किस तरह इसकी तैयारी हो पाएगी? वड्डी गल तो यह है कि अज चोण जाबता लगन नाल पंजाब दे लोग बड़ी खुशी दे माहौल च है। इस सरकार दे 5 साल दे करप्शन भरे लुट भरे मिसरूल तो लॉलेसनैस तो लोगों को छुटकारा मिल रहा, लोगों को आस बजी है कि 10 मार्च में जो गिनती खत्म होगी श्रोमणी अकाली दल की लोक पक्षी सरकार बादल साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगवाई पंजाब दे विच आएगी ते पंजाब च फिर अमन शांति भाईचारक सांझ दे माहौल च तरक्की ते लोक पक्षी जिहड़ियां स्कीमां उह दुबारा चलणगियां ते पंजाब दी तरक्की दुबारा होएगी। जित्थों तक तुसीं कोविड दी गल कीती, हाँ ये जरूर आपां एक डिफरेंट दौर चों गुजर रहे हैं, पहलां कदे इहो जिहे माहौल च नहीं गुजरे, नवें तरहां दीआं रिस्ट्रिक्शनस इलैक्शन कमिशन वल्लों लाईआं गईआं। मैं उम्मीद करदा सारे फॉलो करनगे, ठीक है समा लगता है थोड़ा बहुत नवी सिस्टम नो अडैप्ट करन ते, पर वो सिस्टम दे विच रह के जिवें इलैक्शन कमिशन दीआं गाइडलाइनस होणगीआं उस मुताबक करांगे। कोई जनसभा नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी 15 तारीख तक, अगर 15 तो बाद इस तरह मतलब फिर दोबारा आ जांदियां ने, किस तरह हो पाएगा काम? क्योंकि वड्डियां वड्डियां रैलियां होनियां सी, बहुत ज़्यादा रैलियां करनियां सी, जगह जगह से मार्च होने सी, इस तरह किस तरह देखते हो तुसीं? देखो सब तो पहला लोगों की सेहत है, लोगों की जान माल की रक्षा है। 15 तारीख तक उन्होंने पाबंदी लाई है, मैं अरदास करना कि हालात ठीक रहन, ये केसिस ना वधन ते वो पाबंदियां चक्कियां जान, क्योंकि आपां पुरानियां पहलां भी इलैक्शन देखते रहे हैं, बंगाल वगैरह च भी हुई हैं वड्डियां रैलियां, उदों भी कोविड का दौर सी, हुण भी मैं इलैक्शन कमीशन तो आस करदा कि ये कंट्रोल दे विच जे बीमारी रह जाती है तो ये रिस्ट्रिक्शन जरूर वो चक्कणगे। फरीदकोट तो देवानंद शर्मा, जी मीडिया।